हेलो दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका इस नए कोर्स में जो कि है द हिंदू बर्ड मीनिंग्स। और ये आप देख रहे हैं ओनली फॉर गवर्नमेंट जॉब्स चैनल। ओके, तो डेली ऐसे ही बर्ड्स मीनिंग्स अपलोड की जाएंगी हिंदू पेपर की। ओके, तो देखते रहिए और बर्ड्स मीनिंग्स स्ट्रेंथन करते रहिए। ओके, सो नाउ लेट्स बिगेन। पहली मीनिंग आई थी जो फर्स्ट पेज पर ही थी, उसका मतलब था बी कीपर। बी कीपर कौन होते हैं? बी कीपर मधुमक्खियों को पालने वाले जो होते हैं ना, पालते हैं मधुमक्खियों को, उनको बोलते हैं बी कीपर। ये क्या करते हैं, पालते क्यों हैं? क्योंकि इससे मधुमक्खियों के शहद निकाल सकें। ओके, और अलग अलग इंडस्ट्री भी चलाते हैं ये, जैसे बीज वैक्स है, पोलन, प्रोपोलिस एंड रॉयल जेली। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बी कीपर्स। ओके, तो नेक्स्ट मीनिंग पे आते हैं अपन, बॉलस्टर। बॉलस्टर बहुत ज़्यादा अच्छी मीनिंग है, पढ़ते हैं अपन। वैन यू चीयर अप अ फ्रेंड हुज फीलिंग डाउन, यू बोलस्टर्ड हैं। बोलस्टर मतलब स्ट्रेंथ करना। ऐसे अपना दोस्त कोई निराश है या फिर उसकी फीलिंग डाउन, मतलब थोड़ा दुखी सा है, तो अपन स्ट्रेंथन करते हैं। ओए कैसा है, चल पार्टी करते हैं, ये सब बोलते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं, चीयर अप करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, उसको बोलते हैं बोलस्टर। टू बोलस्टर इज टू सपोर्ट, ऑफर सपोर्ट और स्ट्रेंथन। ठीक है, और बोलस्टर का दूसरा मीनिंग भी होता है, एक तो सिलेंडर होता है, ओके, उसको भी बोल्सर बोलते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है एक पिलो टाइप का, गोल पिलो जिस पे अपन टिक जाते हैं, टिक के बैठते हैं ना, वो होता है बोल्स। तो इससे क्या होता है, अपन टिकते हैं तो अपन को आराम मिलता है, रेस्ट फीलिंग होती है। तो ऐसी अपन पहले पैन हो रहा है अपन को, तो अपन उस पर टिक के बैठे तो अपन को अच्छा फील हुआ। ऐसे अपना दोस्त है अपने पैन में है, तो अपन क्या करते हैं, उसका बोल्सर एक तरह से पिलो टाइप का काम करते हैं, तो उसको क्या है, अच्छा लगे। इसलिए ही तो फ्रेंड्स बनाते हैं अपन, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, है ना। ओके, तो नेक्स्ट मीनिंग है सिरिमोनियल। सिरिमोनियल कोई भी समारोह। ओके, तो क्या है, वेन एन ओकेजन इज एक्सट्रीमली फॉर्मल एंड फुल ऑफ रिचुअल्स यू कैन कॉल इट सिरिमोनियल। सिंपल। ओके, योर कजन्स फैंसी वेडिंग और बुला बुला, ये सब होता है सिरिमोनियल में आता है, कोई भी समारोह है। ओके, अगला है डिलीनिएट। ये मीनिंग भी बहुत अच्छी है, इसको आप पढ़ो, डी ली नियर, डी लीन मतलब लाइन, डी लाइन, ई एट बीच में क्या आ रहा है, लाइन। तो इसकी अगर मीनिंग ही समझोगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, डिलाइनिएट का मतलब होता है अंडरलाइन करना या फिर ओवर राइटिंग करना किसी शब्द पर या फिर किसी भी चीज़ पे, बाउंड्री बनाना, तो होता है डिलाइनिएट। थ्रो योर प्रोनाउंस इट ड्यू लाइन ई एट, देयर इज अ लाइन इन द मिडिल ऑफ द डिलीनिएट। ओके, दिस माइट हेल्प यू रिमेंबर दैट टू डिलाइनेट इज टू आउटलाइन करना। ओके, एंड डिफाइन समथिंग इन डिटेल और विच एन विद एन एक्चुअल मेकिंग ऑफ लाइन्स एंड बाउंड्रीज। किसी भी चीज़ पर ओवर राइट या फिर अंडरलाइन करना होता है डिलाइनेट। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है एरिना। एरिना का मेनली मतलब होता है अखाड़ा, और कोई भी स्पोर्ट्स की फील्ड वगैरह होती है ना, उसको भी एरिना बोलते हैं। जैसे इफ़ यू आर वॉचिंग अ कॉलेज बास्केटबॉल गेम इन अ पर्सन चांसेस एंड यू आर इन एन एरेना। एरेना मतलब उनकी फील्ड पर हो गए, है ना। अ बिल्डिंग स्पेशली डिजाइंड फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स एंड लार्ज स्केल रॉक कंसर्न। ओके, समझ गए, हिंदी में इसको अखाड़ा भी बोलते हैं, और भी स्पोर्ट फील्ड कोई भी। नेक्स्ट मीनिंग थी रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट क्या होता है, इज अ रीपेमेंट, किसी चीज़ का दोबारा से पेमेंट करना फॉर मनी यू हैव ऑलरेडी स्पेंड, एक बार खर्च कर चुके हैं। वैन यू ट्रेवल फॉर वर्क, ओके, यू गॉट अ रीइंबर्समेंट फॉर योर वर्क रिलेटेड एक्सपेंसिस लाइक होटल बिल्स एंड प्लेन टिकेट्स, बट यू विल हैव टू पे फॉर दैट ट्रिप टू द सर्कस योर सेल्फ। ये होता है रीइंबर्समेंट। ओके, नेक्स्ट मीन की पेल्टर। पेल्टर का मेनली मतलब था स्टोन पेल्टर। ऐसे आजकल क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में अभी आज अरुण जेटली का बयान आया, क्या बयान आया कि पहले से नोटबंदी के पहले स्टोन पेल्टिंग बहुत होती, मतलब पत्थर बहुत फेंके जाते थे, अब क्या होता है, अब कम हो गए हैं। तो क्या हुआ, स्टोन पेल्टर मतलब जो पत्थर फेंकते हैं उनको बोलते हैं स्टोन पेल्टर्स। ओके, तो थैंक यू सो मच आज की बर्ड मीनिंग देखने के लिए, इनको लर्न करते रहिए और डेली की बर्ड मीनिंग देख के रहिए, उससे आपको हर पेपर में आसानी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।